क्या मुश्किल कर रखी ने लंबू बैठा यहाँ आराम से साले तेरी कमर क्या गुल खिलाया तुम लोग दोनों ने नीचे क्या हो गया अरे हुआ क्या यार वो पिंकी दरोगा ना बड़बड़ाता हुआ जा रहा था कि पंचम इलायची की शादी को साबित करके रहेंगे ले लो तेरी शादी का भांडा फूटने वाली सेल्फी हाँ ले लो ले लो नहीं मुझे एक बात समझ ना आ रही यार पिंकी दरोगा को तुम लोगों की शादी का कैसे पता चला अरे कहीं खुशी में मिठाई तो ना खिला दी उनको नहीं किस्मत ही खराब है हमारी मैं और जीजा जी गली में टाइम पास कर रहे थे इतने में संस्कृति दल वाले लोग आ गए और जीजा जी को कूटने लगे तो खुद को बचाने के लिए हमें सच बताना पड़ा कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं नहीं मैं देखा कि पिंकी अंकल भी वहीं थे उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली सच तो बताया वो अलग बात है लेकिन वो तो शेठ जी को यहाँ तक बताने आ गए थे यार वो तो हमने पता नहीं किसी तरह से बात को संभाला अब पता नहीं इलायची जी क्या होगा अब लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि अच्छा है किसी ना किसी बहाने से तो पापा को पता लगना ही था हम ये जो काम नहीं कर पाए वो पिंकी अंकल कर देंगे लाइसी जी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप ऐसा क्यों कर रही हैं आप मतलब आपको पता है सेठ जी ना हमें पंखे पे उल्टा लटका देंगे चमगादड़ की तरह अरे यार तू अपनी छोड़ भाई मेरी सोच मेरा तो चीरहरण एकदम निश्चित हो रखा है इलायची जी ये ऐसी डरावनी बातें ना करो यार हाँ यार सच्ची इलू क्यों इन दोनों का बीपी बढ़ा रही है कुछ सोच क्या करना पिंकी अंकल की सिचुएशन का मुझे फिलहाल पिंकी अंकल की नहीं पापा की टेंशन है क्योंकि जो शक का बीज बोया ना पापा के दिमाग में पिंकी अंकल ने उसे काटना बहुत जरूरी हो गया है अरे भैया जो भी काटना है जल्दी काटो कहीं पोल खुल गई ना तो सेठ जी हमारी जड़ें काट देंगे अरे किसी का कुछ नहीं कटने वाला है यार निश्चिंत रहिए जब तक इलायची है कोई टंटा नहीं होगा ओके बड़ी खांसी आ रही है अरे यार खांसी तो हमें भी आ रही है लेकिन हम तो अपनी रोके पड़े आई ट्रस्ट यू करो दरवाजे से यो उम्मीद ना थी मुझे क्या जरूरत थी मजे लेने की मजे लेने थे तो सर्कस में चले जाते किसी शेर का कान खुजा देते हैं बताओ क्या जरूरत इतना बड़ा ड्रामा मेरे घर में कर दिया उस आदमी ने लाइची के पापा मुझे तो लगता था कि ये दरोगा जी के दिमाग में सिर्फ खाना और सुई धागा ही होता है देख रही है इलायची के दिल पे क्या गुजरी होगी तू समझ ले कितना बुरा लगा होगा उसे पापा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अरे क्या हुआ अरे इतनी रात को तेरे सीन क्यों निकले आए पापा मैं अभी अभी ना छत पे गई थी ताजी हवा खाने के लिए पता है मैंने वहाँ क्या देखा जीजा जी और पिंटू भाभी ना दरवाजा पूरा खोल के एक दूसरे से मतलब गले लग के मतलब चिपक के लिपट के खड़े हुए थे मतलब ये भी कोई तरीका होता है बेटा मैंने तो ऊपर जाके देखा ना कि वो किस तरीके से गले मिले हुए थे तो मैं कैसे बता दूं कि तरीका सही था या गलत था ओहो इलायची के पापा तुम ना समझते नहीं हो ये लड़की क्या कह रही है और इलायची तुझे क्या जरूरत थी इतनी रात को छत पे जाने की हाँ मम्मी ये मेरा घर है जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ उन लोग को सोचना चाहिए ना अरे माना के भाई मतलब शादीशुदा है माना के लव मैरिज हुई है माना के मतलब एक दूसरे से दूर नहीं रख सकते हैं माना के वर्ल्ड के बेस्ट कपल है माना के सुन लिया सब सुन लिया आगे तो बता बात क्या थी हाँ तो मैं यही कह रही हूँ कि दरवाजा बंद करने तक का कंट्रोल होना चाहिए था है ना पापा अरे तू बेकार में परेशान हो रही है देख उनकी खुद की खिचड़ी है वो जाते चाय पकाए नहीं लेकिन चूल्हा तो अपने घर का है और जब मैंने जीजा जी को टोका पता उन्होंने मुझसे क्या कहा नहीं भाई हम तो शादीशुदा हैं ये पिंटू हमारी पत्नी है हम तो इनसे बहुत प्यार करते मतलब हद हो गई यार प्यार करते हो तो ये सब करोगे अरे देख 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 इलायची देख ऐसा है वो मियां बीवी हैं सब ठीक हो जाएगा आगे तो ना करेंगे नहीं मियां बीवी तो क्या हुआ हमारा घर है ये कोई शिमला की वादियां नहीं है कि यहाँ पे इश्क लड़ाएंगे मियां बीवी रोमांस करेंगे आप उन्हें हड़का देना पापा हाँ मैं हड़का दूंगा तू अपना खून मत जला ठीक है मैं सोने जा रही हूँ गुड नाइट करू मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है हो ही ना सकता मैंने तो दाल खुद अपने हाथों से साफ की थी अब हर बात में अपना खाना घुसेड़ दे
कमाल है, खुद ही दाल बीच में लेके और मुझे डांटते हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। तू समझ ही ना रही है। देख मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तो मुझे दरोगा जी की बातचीत से चला कि देख हमारी इलायची जो है कि इतना कोई उल्टा सीधा काम ना कर पाई, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि देख कैसे इलायची जो है सफाई पेश कर रही थी। हाँ तो वो पंचम और पिंटू को भी तो सोचना चाहिए ना, घर में जवान लड़की रहती है, कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए। अरे वो तो सुन ले, इलायची देख लग नहीं रहा था तुझे कि कैसे बात को ऐसे घुमा फिरा रही है, कोई नया मोड़ दे रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। हैरान, इलायची की दाढ़ी है? मेरे मुहावरों का ऐसे बैठे बैठे बस खून कर दे तू। तुझे पता है ना ये बात जो है शाम को निकली, और अभी इसी रात को जो है इलायची आकर के मुझे ये समझा रही है कि पंचम और पिंटू में आपस में कितना प्रेम है। करो मेरा मन ना मान लिया है, सुन अगर दरोगा जी की बात सच निकली तो। ओ गॉड, ये मामला तो उल्टा ही पड़ गया है। पापा को यकीन दिलाना होगा, वो भी मेरे बिना कुछ बोले बिना कुछ किए। अगर पापा को ऐसे ये शक बना रहा ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। नहीं नहीं, फिर से दवाई नहीं ली सुबह की, कितनी आंख मारोगी यार। अरे ये बाथरूम में इतने चुटकुले किसे याद आ रहे हैं? इलायची तू अंदर जाके पंखा ऑन ऑफ कर, यहाँ बैठना ठीक ना, जा। गुगू, गुगू क्या कर रहे हो? गुगू छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, मैं बाल्टी मार दूंगी, छोड़ो ना गुगू। बुबू सुनो तो, बुबू सुनो तो, अरे बुबू, अरे सुनो तो, बुबू कहाँ जा रही हो? मिसेस पंचम, आप दोनों एक साथ, भाई पानी की इतनी भी क्या बचत? ना ना सेठ जी, वो क्या है ना, गुगु तौलिया भूल गए थे, तो भाई तौलिया मैंने कहा मैं दे देती हूँ, इन्होंने मुझे ही अंदर खींच लिया। आप बताओ, आप ये बच्चे हैं क्या जो मैं इनकी पीठ में ऐसे साबुन लगाऊं? भाभी, ये कोई होटल या आपका हनीमून नहीं चल रहा है क्या? आप लोग खुलेआम कुछ भी करें, मतलब हो क्या रहा है हमारे घर में? माना कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन ऐसा क्या? और आप दोनों के बीच मतलब कोई नहीं आ सकता, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, मतलब अरे बाबा सुन लिया मैंने, आगे बोल। हाँ भाई, मतलब कंट्रोल करना चाहिए ने, है ना पापा? अब वो तो मतलब अरे इलायची जी, बुबू हमारी पत्नी है, और सेठ जी आप तो जानती हैं कि पत्नी के साथ तो हंसी मजाक चलता ही रहता है, क्यों सेठ जी? देखो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अपने बंद कमरे में। अरे क्या हमारे घर को ऐसे लवर्स पार्क बना के रखा हुआ है? इलायची जी हम क्या बताएं आपको, मतलब हम दोनों एक दूसरे में इतना लीन रहते हैं कि और कोई दिखता ही नहीं। हम तो भूल ही गए कि आप सब लोग भी यहाँ पे हैं। रियली पिंटू भाभी,
हम सब जानते हैं कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है, पति पत्नी है आप दोनों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुलेआम कहीं भी हनीमून मनाएंगे। शर्म लिहाज होना चाहिए बड़ों का, है ना पापा? इलायची जी, अगर ये बड़े शर्म लिहाज करते ना तो हम आप यहाँ पे ना होते। देखिए इलायची जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम तो किसी और की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखते हैं। हमें इतना ज्यादा प्यार है कि जब हम काम पे जाते हैं हमें बुबू की शक्ल नजर आती है, जब हम खाना खा रहे होते हैं हमें बुबू की शक्ल नजर आती है, बोला हम कहीं पे भी चले जाएं। अरे चल क्या रहे यार, इस घर में कंचन क्या चलने आएंगे? पंचन मतलब पंचम। अरे तूने ऐसा कोई काम किया जो तेरा सही नाम लूं मैं? तू वैसे ही खुला सांड बना घूम रहा है इस घर में, और ऊपर से जो है मिसेस पंचम ने लाल रंग की ब्लाउज और पहन रखी है। इलायची के पापा लाल नहीं गुलाबी। तू और गुलाबो बनी रहे। ओह गॉड, मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरा मूड ही खराब हो गया। छी। चलिए सेठ जी, हम भी चलते हैं उधर। दरअसल क्या है कि हमें दुकान भी खोलनी है, और दुकान खोलने से पहले हम अपनी बीवी के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, और उस समय में आप, चलो आओ समय बिताएं। सेठ जी मैं भी चलती हूँ। आओ बब्बू। आओ चलो। इलायची के पापा तुम भी ना आलो, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेके आती हूँ। कोई फायदा ना है, सिर्फ पड़क रही है बस। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या हो गया सेठ जी, सुबह सुबह लड़ लिए क्या किसी से? अरे लोटे मन तो कर रहा है कि लठ बजा दूं इस दरोगा के। दरोगा के है? क्या कर दिया उन्होंने? दरोगा का कहना ये है कि इस बर्तन ने ना, जो मेरे यहाँ नौकर है, बर्तन ने और इलायची ने आपस में शादी कर ली है। सेठ जी, तुमने दरोगा साहब के मुंह के पास जाके सूंघा था? कहीं सुबह सुबह टिका के तो ना घूम रहे थे? अबे टिका के आता तो भी एक बार के लिए माफ कर देता मैं। अरे लेकिन मेरे घर के आंगन में पूरे होश में आकर उसने ये बकवास की है। हाँ तो सीढ़ी बोलने दो, बोलने से कुछ सच थोड़ा हो जाएगा। अरे यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है, एक बार जो है शक का कीड़ा दिमाग में घुस गया तो बस समझ ले तो घुस गया। और दूसरी तरफ क्या हो रहा पता है, ये मेरी बेटी इलायची और वो बर्तन रात दिन इस बारे में मतलब एकदम मुझे ऐसे दिखाने में लगे हुए हैं पूरी तरीके से कि जो बर्तन और पिंटू आपस में जो इंसान ना है बल्कि तोता मैना है। अरे अपने प्यार के आया से मुजरा कर रहे हैं सामने सबके। अब तो सीढ़ी करने दो, अब प्रेम करने की उम्र होगी, अब प्रेम तो करेंगी। अब तुम्हारी और सेठ आइन की तरह बंद कमरे में जाके भजन करने की उम्र है ना उनकी? तुझसे कितना कह दिया लोटे कि मैं और करुणा जो है बंद कमरे में भजन करते हैं। सुन, काम की बात सुन ले पहले। काम की बात ये है सुन, जब सबको पता है कि पिंटू और बर्तन आपस में शादीशुदा है, है तो ये साबित करने की क्या जरूरत है और सबको ये दिखाने की क्या जरूरत है कि वे प्रेम करते हैं, बता। हाँ भाई, क्या हो रही है सेठ जी? मतलब आप जो है वो पिंकी जी से खफा तो ना है ना? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, आप मेरी महबूबा तो हो ना, जो मैं आपसे खफा होऊंगा? पर किसी लैला से कम भी ना है ये। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी और मैडम की जोड़ी ना लैला मजनू वाली है। तू मुंह बंद करके पीछे खड़ा रहे। दरोगा जी। हाँ जी। आप जब चले गए ना, उसके बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने ये सोचा कि थाने से चलकर आप मेरे घर बेइज्जती कराने तो आओगे ना।
उसके लिए आप कभी भी थाने आ सकते हैं सेठ जी। हाँ दरोगा जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि वो जो संस्कृति दल वाला जो है ना मामला, हाँ, उन्होंने जो है इलायची और इसको बर्तन को पकड़ा था, हाँ, तो आप ये सामने साबित करवा सकते हो कि पंचम और इलायची थे? सेठ जी मतलब आप क्या बात करो, करा सकते हैं पिंकी जी, एकदम साबित करा सकते हैं। वैसे आपने ना पिंकी जी पे भरोसा करके कोई गलती ना की है सेठ जी, अभी कराते बात देखो। ये एक मिनट रुक जाओ, स्पीकर पे लगा देते हैं। लगा लगा, हम भी तो सुने। हेलो, अपना मिथुन इधर पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ दरोगा साहब बोलिए। पिंकी जी को ना तुमसे एक छोटा सा काम था, वो याद है उस दिन वो तुमने रास्ते में लड़का लड़की उनको पकड़ा था? लड़का लड़की एक दूसरे को पकड़े थे, हम तो भगान लाग रहे थे उनको, और वहाँ तो और भी घने लड़का लड़की थे जो चोंचड़ा रहे थे। बोलिए आप। ना ना मतलब पिंकी जी उस लड़का लड़की की बात कर रही है जिसमें से उस लड़के की तुमने बहुत धुनाई की थी और फिर उस लड़की ने उस लड़के को बचाया था ये बोल के कि वो दोनों पति पत्नी हैं। अच्छा वो साली जीजा, हाँ उनको कैसे भूल सकूं। हाँ बताइए बताइए। यही बात जो है ना ये तुम लड़की के पापा के सामने बता सकते हो? क्यों ना बता सकूं, अरे संस्कृति बचाने के लिए तो पैदा हुआ हूँ मैं। आप जहाँ कहोगे वहाँ बताऊंगा, डंके की चोट पे बताऊंगा। आप एड्रेस बोलो। क्या बंसल 420 चांदनी चौक। बंसल 420 ये वो एड्रेस है? ऐसा है सेठ जी, अब सच्चाई खुद चलकर आपके घर आ रही है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। दूरी बनाओ, संस्कृति बचाओ। 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 अपना मतलब सेठ जी ये लीजिए, पिंक जी अपनी बातों का चलता फिरता सांस लेता सबूत ले आए। मतलब ये जो है ना ये हो रखे मिथुन जी वो संस्कृति बचाओ दल वाले। मैं क्या सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। अरे ना ना ऐसा ना है, ये एक सुशील और भद्र महिला है। वो क्या है, दो दिन से इसकी आंख अपने आप फड़क रही है, इसलिए गलत ना समझा। अपना सेठ जी अब आगे का आपनी आंखों देखा हाल जो है वो मिथुन जी आपको बताएंगे। मिथुन जी, दरोगा जी का कहना है कि आपने एक लड़का लड़की को भुट्टे के ठेले पे देखा था, जिन्होंने आपसे कहा था कि वो शादीशुदा है। आपको उनकी शक्ल याद है? सेठ जी हाँ, मेरे घर का नाम कोबरा हैगा, पता है क्यों? क्यों, आपकी चाल की वजह से? आप नागिन की तरह चलते हैं। नहीं जी नहीं। हाँ लोग कहते हैं कि मैं एक बार जिसकी शक्ल देख लूं ना उसकी तस्वीर मेरी आंखों में कैद हो जावे। अरे यो आंखें नहीं है, कैमरा है कैमरा। अच्छा अपना सेठ जी देखा हमने, मतलब अब आप एक काम करो, इलायची और उसको पंचम को बुलाओ, मतलब आपके सामने वो दोनों पति पत्नी है ये सच सामने आ जाएगा अभी देखो। हाँ बुलाओ। अबे बर्तन, सेठ जी पंचम इधर आ।
इलायची इधर आ, इधर आ। क्या हुआ बाबा? देख मैं तो भगवान से चाह रहा हूं कि कुछ ना हो, लेकिन अब तो मिथुन जी के फैसले के बाद ही पता लगेगा कि क्या होना है। अपना मिथुन जी जरा गौर से आंखें खोल के देखो जरा इन दोनों को, क्या ये लड़का लड़की वही है जिन्होंने कहा था कि हम शादीशुदा है, पति पत्नी हैं?